हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम इन अवर चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम ट्रेसिंग ऑफ कोनिक के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड ज्योमेट्री का टॉपिक है ये, आपका बीएससी और बीए स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका ट्रेसिंग ऑफ कोनिक में से, चाहे वो इलिप्स का आ जाए, चाहे पैराबोला या हाइपरबोला। तो आज हम देख रहे हैं पैराबोला कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको ये गिवन इक्वेशन दे रखी है इन सेकेंड डिग्री ऑफ कोनिक। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन, इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी जनरल इक्वेशन है कोनिक की ना सेकंड डिग्री। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी ए बी जी एफ सी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, नाइन एच माइनस ट्वेल्व, बी सिक्सटीन, जी माइनस नाइन, एफ माइनस 101/2, सी 90। तो कंपेयर करके हमारे पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है कि ये किस टाइप का कोनिक है, तभी तो हम ट्रेस करेंगे। तो फर्स्टली आप फाइंड करेंगे डेल। डेल क्या होता है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। डेल फाइंड करेंगे ये वैल्यू पुट करके। उसके बाद नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच हमारे पास क्या है, 144 माइनस 9 इंटू 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो। मीन्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो। तो डेट मीन्स क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो कोनिक कैसा होगा, पैराबोला। तो डेल भी आप चेक कर लेना इसके अंदर वैल्यू पुट करके। डेल हमारा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। कैलकुलेशन वर्क आप खुद कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, तो डेल हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। और एच स्क्वायर हमने देख ही लिया क्या है हमारा, इक्वल टू ए बी। तो इट मीन गिवन कोनिक हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, गिवन कोनिक इज पैराबोला। गिवन कोनिक क्या है हमारा, पैराबोला। तो आप ये कंडीशन चेक कर लेंगे। नाउ अब हम देखें, पहले तो वही सॉल्यूशन इसका करेंगे। हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, टेंजेंट एंड वर्टेक्स चाहिए। तो हम अब इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ देखिए, अब आगे अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन है गिवन, 9x² माइनस 24xy प्लस 16y के लिए, तो राइट हैंड साइड पे रखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देंगे इसका, और बाकी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अगर आप a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सटेंड करेंगे तो यही आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ओके अब देखिए ये इक्वेशन हमारे पास आ गई सेकंड। अब हम इसमें लैम्डा ऐड करेंगे। हम लैम्डा इस ढंग से ऐड करते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो दोनों क्या हो जाए, आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको पता है जब टू लाइन्स परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, टू लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट हम क्या ले लेते हैं, माइनस वन, ठीक है। अब हम लैम्डा ऐड कर देंगे। लैम्डा भी इस ढंग से ऐड करेंगे कि दोनों साइड्स क्या हों, आपस में परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए, और ये बन गया बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकंड हम वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था।
नाउ कैलकुलेशन वर्क है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस 6 लैम्डा एक्स को बना देगा, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। ओके नाउ अब हम करेंगे चूज लैम्डा सच डैट, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, दो लाइन बन गई, एक तो क्या है 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 और एक ये आ जाएगी हमारे पास ये दोनों लाइंस क्या होंगी आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस कैसी होंगी हमारी परपेंडिकुलर। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास -1, तो देखते हैं नाउ हमारे पास ये दोनों लाइंस कैसी है परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे अब इन दोनों लाइंस का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट क्या लेके चलेंगे -1 के इक्वल, तो यहाँ से स्लोप आ जाएगी हमारे पास 3/4 और यहाँ से दिस वन, तो हमने ये क्या लिया दोनों का स्लोप इक्वल्स टू -1। अब हमने जस्ट कैलकुलेशन वर्क किया है वो आप सब कर लेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी आपको वीडियो को पॉज करके देख लेना प्रीवियस में, तो वहां हमने क्या कर दिया लैम्डा को 7 पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है अब देखें क्या करेंगे, अब हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसको, ये है हमारे पास इसके स्क्वायर रूट ले लो और कोएफिशिएंट्स से का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, वो डिस्टेंस निकाल दिया ना परपेंडिकुलर, तो वो तो हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस 16, तो हमने डिवाइड किससे किया इसका हमारे पास क्या आएगा 25 आएगा, तो हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई करा है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा 25। यहां देखिए 15 यहाँ भी यही करेंगे 4 का स्क्वायर 69, तो मल्टीप्लाई किससे करा है हमने डिवाइड किससे किया है 5, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 5 से, ओके अब इसको 25 को कर ले जाते हैं हम, ओके तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे दिस वन, ठीक है तो हमारे पास कैपिटल 4 है किससे इक्वल हो जाएगा लेटेस्ट रेटम 3, 4 इक्वल्स टू 3, तो यहां से हमारे पास a क्या आ जाएगा 3/4। ओके कंपेयर कर रहे हैं हम इस इक्वेशन को दिस वन, कैपिटल y क्या आएगा हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन में 25, तो ये हमारे पास क्या आ गया कैपिटल y जो हमने कंपेयर किया, इसी जगह कैपिटल x क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 2 अपॉन में सुनिए 5 ही लिख दो यहां पर। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड वर्टेक्स, ठीक है तो देखते हैं नेक्स्ट।
नाउ अब हमने बना ली इक्वेशन ऑफ एक्स की, तो आपको पता है मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड, तो हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन कब आती है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए हम वाई क्या लेके चलेंगे, जीरो। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 3x-4y+7=0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो वो हमारे पास क्या होगी, इस पे एक्स क्या होता है, जीरो। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 4x+3y+2=0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है हमारा, वर्टेक्स, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो वर्टेक्स फाइंड करते हैं, तो आप इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फिफ्थ। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स। तो क्या आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना किसी भी मेथड से, तो हमारे पास आएगा ये -29/25, 22/25। आप इसको फाइंड कर लेना दोनों को सोल्व करके। तो वर्टेक्स को हम किस से डिनोट करते हैं, ए से। वर्टेक्स क्या होता है हमारा, ए। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए, फोकस। फोकस क्या होगा, फोकस क्या होता है हमारा, एक्स। ये है फोकस, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पता है क्या होता है फोकस, ए जीरो इस पैराबोला का। तो फोकस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड लेटेस्ट वेक्टर। फोकस किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्सिस और लेटेस्ट वेक्टर। तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे लेटेस्ट वेक्टर की, एक्सिस को क्या ले लोगे, ए, और वाई इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो ये तो हमने इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो फाइंड कर रखी है, दिस वन। ठीक है, लेटेस्ट वेक्टर यहां से एक आ जाएगी इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू ए। तो देखिए कैसे करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या, हमने फाइंड की थी 3/4। ए क्या है हमारा, 3/4। तो देखिए अब आप फाइंड कर लेंगे, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, एक्स इक्वल्स टू ए। तो वो आपने कंपेयर किया था ना, वाई इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो हमारा वहां पर एक्स आ गया था, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आई थी, 4x-3y+2/5y। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, 3/4। तो इसको एक सोल्व कर लेंगे आप। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी यहां से आ जाएगी, में से एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7/4। तो एक इक्वेशन ये आ गई जिसे हम कहेंगे इक्वेशन फिफ्थ। तो हम अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकस। तो देखते हैं, नाउ अब हमने इक्वेशन ऑफ ये एक्सिस और लेटेस्ट रेक्टम को लेकर फोकस फाइंड कर लिया, क्योंकि फोकस क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम। तो फोकस हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे मीट करता है और वाई एक्सिस पे किस पे, जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो हमें नीड पड़ेगी। तो पहले हमने लेके चले द पैराबोला मीट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कब मीट होगा, व्हेन वाई इक्वल्स टू जीरो। तो जो अपने गिवन इक्वेशन थी फोनिक की, स्टार्टिंग में जो फोनिक हमें ये गिवन है, इसमें आप क्या करेंगे, वाई को जीरो पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो वाई जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, या मैं लिख भी देती हूँ, वाई जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अपने पास ये एक्स की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, इसके हम रूट फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, -b+ √b² -4ac / 2a। जब हम इसको सोल्व करें तो हमारे
पर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो इमेजिनरी वैल्यूज हम ले नहीं सकते रियल में, तो इट मीन एक्स जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पे कहीं भी मीट नहीं करेगा। अब हम वाई एक्सिस पे चेक करेंगे, तो वाई एक्सिस पे चेक करोगे तो एक्स को जीरो पुट कर दोगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो एक्स जीरो पुट करोगे तो ये वाई की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है हमारे पास। नाउ अब हम इसको भी सिंपलीफाई करेंगे उसी से, तो यहाँ अब हमारा है डायरेक्ट इसकी इक्वेशन फाइंड करना। तो देखिए आपको पता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये हमारा पैराबोला होता है स्टैंडर्ड, ये फोकस और दिस वन वर्टेक्स, और ये हमारी होती है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव क्या होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो आप जनरल डायरेक्टिव की इक्वेशन क्या लेके चलो, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, जो हमारा ये पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स, ठीक है। तो डायरेक्टिव हमारे पास क्या है, हम लेके चलेंगे एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक। अब आपके पास ये जहां एक्सिस को मीट कर रही है वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, जेड। पहले तो आप इससे इक्वेशन बना लेंगे डायरेक्टिव सी, कैपिटल एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, या आपने प्लस वन में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्टिव की इक्वेशन। अब हमें ये जेड पॉइंट निकालना है, तो आपको पता है जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, जेड और एक्स का। एक्स हमारा फोकस है, ए वर्टेक्स, जेड वो पॉइंट है जिसमें से डायरेक्टिव पास हो रही है। तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला का कंसेप्ट अप्लाई किया हमने, देखिए वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एक्स, जेड के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लेट कर लिए, एच और के। वर्टेक्स हम फाइंड कर चुके हैं, फोकस भी फाइंड कर चुके हैं, तो उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड, जहां से हमारी डायरेक्ट्रिक्स की ओर या पास। अब हमने जितनी भी हमें नीड थी चीजों की कोने को ट्रेस करने के लिए, वो हमने सब फाइंड कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि कोने को ट्रेस कैसे करेंगे। नाउ अब हम देखेंगे कि पैराबोला ट्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमने सारी चीजें लिख ली जो हमें नीड है, राइट डाउन कर लिए। सबसे पहले तो आप अपने वही एक्सिस ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक्सिस बना लिया आपने। उसके बाद सबसे पहले आपने वर्टेक्स को प्लॉट करना है, किसको प्लॉट करोगे, फर्स्टली वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारे पास ये आया था, इसको हमने चेंज कर लिया है दिस फॉर्म। तो हमारे पास ये वर्टेक्स क्या आ रहा है, माइनस 1.16, सपोज हम नियरली ले लेते हैं दिस वन पॉइंट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया वर्टेक्स, ठीक है। तो इसको हमने डिनोट कर दिया ए से। सबसे पहले आपको वर्टेक्स ड्रॉ करना है, तो इसमें हम एक एक्सिस की वर्टेक्स में से क्या पास करेंगे, एक्सिस। तो एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास दिस वन है, ठीक है। अगर आप वाई जीरो करते हो तो एक्स हमारा माइनस उस पर मीट कर रहे हैं, तो आप सीधा एक्सिस की इक्वेशन बना लेंगे जो इसमें से पास होता है। जैसे आप देखते हैं वर्टेक्स में से एक्सिस पास होता है, तो ये इक्वेशन एक्सिस आप ड्रॉ कर ले, चाहे तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है, इसमें टेबल बना के भी कर सकते हैं एक रफली का आइडिया लेके। जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन है, अगर एक्स जीरो रखते हो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 7/4। एक्स जीरो तो वाई क्या आएगी, 7/4, मीन्स ये कितना आ जाएगा, 7 को 4 से करोगे तो समथिंग 1.7। एक्स जीरो है तो वाई क्या आ रहा है, 1.7। तो हमारे पास ये अपने पास एक्सिस की इक्वेशन होगी जो हमारी वर्टेक्स में से पास होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सिस की इक्वेशन। तो आप टेबल से एक रफ आइडिया से बना सकते हो, तो एक किस पॉइंट पे मीट हो रही है, 0/7/4, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब हमारा पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे यहां से, तो वो किस कहां मीट कर रहा है, दिस वन, ठीक है। तो पैराबोला हमारा यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.6.1। एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहां हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट आ रहे थे, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया क्या, 0.02। तो आप देख रहे हो एक्स एक्सिस को हमारा पैराबोला मीट नहीं कर रहा। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो एक लाइन आप वो बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब हमें क्या चाहिए, फोकस। फोकस हमारे पास क्या है, देखिए दिस वन, माइनस ये ले लेते हम
फोकस, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 14/25, 133/100। तो इस तरह से आप कोनिक को ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स को प्लॉट करना है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, फिर ये देखना है कि हमारा पैराबोला मीट किस पॉइंट पे होगा वो। ठीक है, टेंजेंट एंड वर्टेक्स बना दोगे एक्सिस के परपेंडिकुलर, फोकस शो कर दोगे, तो ये हमारा क्या होगा ट्रेसिंग ऑफ कोनिक। इस तरह से हम बाकी कोनिक को भी ट्रेस करेंगे इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।